पटना पुलिस ने बहुचर्चित रुपेश हत्याकांड मामले का किया खुलासा। रोड रेज की वजह से की गई थी हत्या। पटना के ही 4 अपराधियों ने घटना को दिया था अंजाम। मुख्य आरोपी ऋतुराज गिरफ्तार। हम लोगों ने आके नगर से गिरफ्तार किया, जैसे आपको बताया घर के बाहर से ही हम लोगों ने इसको गिरफ्तार किया। हम लोग वेट कर रहे थे इसके निकलने का। रुपेश हत्याकांड के खुलासे पर परिजनों ने उठाए सवाल। परिजनों को नहीं पच रही पुलिस की बात। कहा रोड रेज तो रोज होता है, मामूली सी बात पर नहीं होता मर्डर। बिहार में हाई स्कूल और प्लस टू में 30,000 से ज्यादा शिक्षकों के नियोजन पर 4 फरवरी को हो सकता है फैसला। पटना हाई कोर्ट में कल होगी सुनवाई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर सीएम नीतीश पर साधा निशाना। तेजस्वी ने सीएम की तुलना मुसोलिनी और हिटलर से की। नौकरी भी नहीं देंगे और विरोध भी प्रकट नहीं करने देंगे। राज्य में काम कर रहे संविदा कर्मियों के लिए नीतीश सरकार ने जारी किया नया फरमान। राज्य के सरकारी कर्मियों की तरह अब संविदा या नियोजित कर्मियों को भी देना होगा अपनी संपत्ति का ब्यौरा। बिहार सरकार का फरमान, नौकरी या ठेकेदारी करने के लिए देना होगा चरित्र प्रमाण। डीजीपी ने आज चरित्र का सर्टिफिकेट जारी करने का दिया निर्देश। चाईबासा में प्रदर्शन कर रहे एसीसी सीमेंट कंपनी के कर्मचारियों के आगे प्रशासन ने टेके घुटने। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने सीएम से मुलाकात करने का किया था प्रयास। जिला प्रशासन के आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने खत्म किया प्रदर्शन। मोतिहारी में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों के मौज मस्ती का एक वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। बताया जा रहा है कि वीडियो कोविड-19 के टीकाकरण के शुभारंभ की है। जमशेदपुर में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना आई सामने। गश्ती पर निकले पुलिस बल को लावारिस हालत में मिली युवती। एसएसपी ने पीड़िता की निशानदेही पर 4 युवकों को लिया हिरासत। पोटका सभागार में केसीसी ऋण माफी को लेकर किया गया बैठक का आयोजन। बैठक में कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर की गई चर्चा। कृषि ऋण धारक जिनका ऋण 31 मार्च 2020 तक स्टैंडर्ड है, उन्हें 50,000 रुपया तक का ऋण माफी का लाभ। जमुई में इंटरमीडिएट परीक्षा के पहले और दूसरे दिन कदाचार के आरोप में कुल 44 परीक्षार्थियों को किया गया निष्कासित। जिले के पदाधिकारी लगातार परीक्षा केंद्रों का कर रहे हैं निरीक्षण। राज्य में अपराधियों का तांडव जारी। ताजा मामला दानापुर का, जहां अपराधियों ने सेना के रिटायर्ड सूबेदार मेजर रामाधार प्रसाद को मारी गोली। देखिए, घटना सुबह का समय था और मॉर्निंग वॉक पे निकले थे। डेली का उनका रूटीन वॉक है और पीछे से किसी ने हमला किया है। वो दो लोग भागते देखे हैं। कैमूर के मोहनिया थाना क्षेत्र के पुल के नीचे ट्रक की चपेट में आने से अधेड़ की मौत। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क किया जाम और मुआवजे की मांग। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक को किया जब्त।